रूस ने अपना एक और घातक हथियार यूक्रेन की जंगी मैदान में उतार दिया है। ये एक टैंक है, इसका नाम है T-14 अर्माटा। इस टैंक की डिजाइनिंग 2014 में हुई, तब से 2021 तक प्रोटोटाइप के ट्रायल्स होते रहे। बीते साल से इसका इस्तेमाल रूस ने शुरू कर दिया है। 55 टन वजनी इस टैंक की रेंज 5 से 12 किलोमीटर है। रेंज ज्यादा नहीं है, लेकिन तबाही भयानक मचाता है। यानी ये टैंक शहरी इलाकों में जंग लड़ने के लिए सबसे बेहतरीन है। इसके दो वर्जन आते हैं, पहला 125 मिलीमीटर बैरल और दूसरा 152 मिलीमीटर बैरल। बैरल यानी नली के व्यास को मिलीमीटर में नापते हैं। दोनों ही वर्जन में नालियां स्मूथ बोर हैं, यानी कि इनके अंदर घुमावदार निशान नहीं बने। इनसे गोलों को ज्यादा दूर मार करने की क्षमता मिलती है। T-14 अर्माटा टैंक में 12.7 मिलीमीटर की कॉर्ड मशीन गन लगी है। ये मशीन गन 1 मिनट में 650 गोलियां दागती है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर है। इसके अलावा इस टैंक पर 7.62 मिलीमीटर की पिकेटियम मशीन गन है। इस मशीन गन में चौकोर बॉक्स से भी 650 राउंड प्रति मिनट के दर से फायरिंग होती है। इन दोनों मशीन गनों में नाइट विजन, थर्मल विजन या रडार साइट्स लग सकते हैं, यानी हमला किसी भी समय ताकतवर ही होगा। T-14 अर्माटा टैंक में एक बार में 42 गोले रखे जाते हैं। इसे सिर्फ 3 लोग चला सकते हैं, 2 लोग मशीन गन पर और 1 टैंक चलाने वाला। गोले दागने के लिए ऑटो लोडर लगा है, यानी गोले ऑटोमेटिक लोड हो जाएंगे। जो टैंक चला रहा है वही बटन दबाकर टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस टैंक में 12 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, यानी पुराने टैंकों की तरह चलते चलते फंसने का झंझट ही नहीं है। T-14 अर्माटा टैंक की कम से कम रेंज 550 किलोमीटर है, अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस टैंक का कवच यानी आर्मर इतना मजबूत बताया जाता है कि इस टैंक के कवच पर किसी भी तरह की एक जगह पर 2 बार भयानक विस्फोट भी हो जाए तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ता। इस टैंक में एंटी गाइडेड मिसाइल को भी धोखा देने की काबिलियत है, ऐसा इसके रडार की वजह से है। ये एंटी टैंक गाइड मिसाइल को टारगेट लॉक करने ही नहीं देता, इसलिए मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है। इसके ऊपर हेलफायर, TOW, जेवलिन, स्पाइक, ब्रिस्टोन जैसी कोई ATGM काम नहीं करती। मतलब ये टैंक पूरी तरह से सुरक्षित माना जा रहा है। फिलहाल इस टैंक का उपयोग सिर्फ और सिर्फ रूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।